ऑफ माई चैनल और एक बीच का साथ मैं आ चुका हूँ। मेरा पीछे का व्यू देख सकते हो कैसा है, एकदम फैंटास्टिक लग रहा है, एकदम कलरफुल लग रहा है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्त लोग को। बीच जाने के लिए रास्ता इधर ही है। बस स्टैंड से कुछ टाइम चलने का बाद आपको बीच आ जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। मेन रोड का साइड में आपको कपड़ा का शॉप मिल जाएगा, लेडीज लोग का पर्स, वैनेट सब कुछ मिलता है। देखिए कितना अच्छा से इधर सजाया है। बहुत वेराइट चाबी रिंग और टी पाउडर, कॉफी, इधर देखिए बहुत जो कुछ लेना चाहता है तो इधर मिल जाएगा। आप गोवा में आए तो एक बार लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत सुंदर भी लगता है। इधर होटल, टाटू का शॉप सब कुछ मिलता है। आप टाटू करना चाहता है तो टाटू भी कर सकते हो। आप कोई भी सामान लेने से पहले एक बार रेट पूछ लीजिए, क्योंकि बाद में रेट बढ़ा सकते हैं वो लोग। लेडीज लोग का भी वेराइटी मिल जाता है, कपड़ा बहुत कुछ मिल जाता है। बीच साइड में आपको गाड़ी पार्किंग करने के लिए ऑप्शन मिलता है और उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। गाड़ी रखने के बाद एक बार गाड़ी को चेक कर लीजिए और गाड़ी में सामान मत रखिए, क्योंकि बाद में वो लोग रिस्क भी लेंगे नहीं। ये आपका चेंजिंग रूम है और बीच में नहाने के बाद इधर आके चेंजिंग भी कर सकते हो और टॉयलेट भी है। देखिए बीच साइड में गेस्ट हाउस है, आप बुकिंग कर सकते हो और बीच का मज़ा ले सकते हो। बहुत डिजाइनिंग किया है, बहुत खूबसूरत किया है, बहुत भी अच्छा लगता है। बीच चारों तरफ से आपको गेस्ट हाउस मिल जाएगा। बाहर में जितना इंटरेस्ट लगता है और अंदर जाने के बाद और भी इंटरेस्ट लगेगा। इधर बोटिंग करने के लिए काउंटर भी है, देख सकते हो कितना मस्त डिजाइनिंग किया है, कितना सुंदर सजाया है। इधर बोर्ड भी दिया गया है और प्राइस इधर देखने को मिल जाएगा, आप वो हिसाब से बुकिंग भी कर सकते हो। मैं जिस टाइम आया था उसी टाइम दोपहर का टाइम था, इतना अभी लोग नहीं था, बहुत क्लाउड कम था और धूप भी कम था, बहुत भी अच्छा लग रहा था और मज़ा बहुत लग रहा था। देखिए बोटिंग करने के लिए रेडी है और अंदर जाने वाला है वो, कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है और नीट एंड क्लीन भी है बीच, इतना अभी कचरा नहीं है, पूरा साफ है। गोवा में जितना भी बीच है सबसे अच्छा लगा यही बीच अच्छा लगा मेरे को, पालालेम बीच। देखिए अंदर जाके फ़ोटो उठा रहा है कैसा पोज लेके, और मेरे को तो बहुत मन हो रहा था जाने के लिए, लेकिन मैं अकेले आया था इसीलिए जा नहीं पाया, बहुत भी दुख लगा मेरे को। देखिए बोटिंग करने के लिए अंदर जा रहा है और ये ज़्यादा भी रेट नहीं है, 300-350 ऐसे ही कुछ लेता है और आधा घंटा एक घंटा अंदर घुमाता है। समुद्र का अंदर जाके घूमना बहुत मज़ा लगता है, बहुत कलरफुल लगता है। एक बार गोवा में आएगा तो एक बार जाके समुद्र का अंदर घूम सकते हो। देखिए फॉरेनर जा रहा है, ज़्यादा रशियन इधर ही है, और बोटिंग भी जा रहा है उधर, बहुत मज़ा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। देखिए पूरा नीट एंड क्लीन है बीच पूरा।
बीच साइड में गेस्ट हाउस बुकिंग करके आप अंदर से बाहर का व्यू मज़ा ले सकते हो। दोपहर का टाइम था इतना, इसलिए लोग नहीं है, बहुत क्लाउड कम है और शाम को ज़्यादा इधर भीड़ रहता है। शाम को धूप इतना नहीं रहता है इसलिए ज़्यादा भी भीड़ रहता है। बहुत भी अच्छा लगता है जब भीड़ होता है देखने को, और भी मज़ा लगता है। कलरफुल बीच। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? To play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it? Hotel Silver Star Hotel hai. बीच साइट में आप भी बुकिंग कर सकते हो। पालालेम बीच साउथ गोवा में आता है और मडगांव से कानकोना, कानकोना से पालालेम बीच। कितना सुंदर व्यू, कितना सुंदर लोकेशन, ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है। एक बार गोवा ट्रिप ज़रूर आना, क्योंकि गोवा आने के लिए सबको चांस नहीं मिलता है, लेकिन एक बार आके इधर मज़ा ले सकते हो और इंटरेस्टिंग लगता है गोवा को आके। ज़्यादा क्लाउड चाहिए आपको तो आप नॉर्थ गोवा जा सकते हो, और नॉर्मल चाहिए तो आप साउथ गोवा आ सकते हो। साउथ गोवा आने के लिए आपको मडगांव से आना पड़ेगा, और नॉर्थ गोवा जाने के लिए आपको पणजी से जाना पड़ेगा। वाह, देखिए कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, कितना मज़ा उठा रहे हैं वो लोग। मेरे को बहुत मन हो रहा था जाने के लिए, लेकिन फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और पास में बेल आइकन रहेगा तो ज़रूर ऑल को क्लिक कीजिए, और ऐसे ही न्यू अपडेट आपको मिलते रहेगा। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey,
Give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip it. पालालम बीच गए जाने के लिए बहुत तकलीफ हुआ था। ये साउथ गोवा में पड़ता है, मैं नॉर्थ गोवा चला गया था, पणजी साइड चला गया था, तो एक्चुअली मेरे को पता नहीं था। और कोई भी ये बीच आना चाहता है तो मड़गांव से कानकोला और कानकोला से पालालम बीच आ सकते हो। मैं तो चला गया था, पणजी साइड चला गया था, फिर मेरे को रिटर्न आना पड़ा साउथ गोवा को। दो घंटा तीन घंटा मेरा ऐसे ही वेस्ट हुआ। तो ऐसे ही गलती होते रहता है लाइफ में, तो आप लोग गलती ना कीजिए। मड़गांव से कानकोला, कानकोला से पालालम बीच आ सकते हो। फ्रेंड, पालालम बीच कैसे लगा? तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा पीछे का व्यू देख सकते हो कैसा है, एकदम कलरफुल फैंटेसी लग रहा है। तो यही व्यू का साथ इधर ही एंड करता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट बीच पर, नेक्स्ट लोकेशन पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुस्त रहिए। जय जगन्नाथ।